आपका स्वागत है के चैनल पर। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं एथ ऑफ तो जून का करंटेयर लेकर मैं तैयार हूं क्या आप भी तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोर्ट की तरफ उससे पहले फटाफट -फड़ से आप लिंक को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दें जिससे अधिक से अधिक लोग कनेक्ट हो सके और फाइनली इस सेशन का लाभ उठा सकें बहुत सारी करंट न्यूजेस न्यूज और फाइनली हम लोग एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे ठीक है तो चलिए चलते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोर्ट की तरफ देखते हैं आज का इंस्पिरेशनल कोर्ट क्या कहना कहने वाला है दैट इज उम्मीद एक ऐसी शक्ति है जिसकी मदद से मुश्किल समय का सामना किया जा सकता है उम्मीद बनाए रखेंगे तो उत्साह भी बना रहेगा और उत्साह बना रहेगा तो हर काम आपके लिए इंटरेस्टिंग हो जाएगा ठीक है डियर तो बिल्कुल इसी पॉजिटिव वाइब्स के साथ हम चलेंगे अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे ठीक है बिल्कुल न्यू मॉर्निंग हो चुकी है एक नया दिन हमारे लिए बहुत सारी बहुत सारी संभावनाएं लेकर आता है बहुत सारी संभावनाएं लेकर आता है हम एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ एक इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल

बेंगलुरु सर्किल के द्वारा लॉन्च किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है एसबीआई की हम बात करें तो एज अ पब्लिक सेक्टर बैंक है ना तो चलिए फटाफट फड़ से हम देखते हैं क्या पॉइंट होने वाले हैं क्या फैक्ट्स होने वाले हैं जो यहां से कनेक्ट होंगे और कनेक्ट जो भी पॉइंट्स फैक्ट्स कनेक्ट होंगे कैसे हमारे एग्जाम का पार्ट बनेंगे वन बाय वन वन बाय वन पॉइंट्स को हम देखने वाले हैं तो चलिए चलते हैं फर्स्ट स्लाइड पर तो फर्स्ट इज कैसे याद रखा जाए तो चलिए हम देख लेते हैं फर्स्ट इज SBI एरो आ जाएगा SBI ने क्या लॉन्च किया है प्रोजेक्ट कुबेर प्रोजेक्ट कुबेर ठीक है प्रोजेक्ट कुबेर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है बेंगलुरु सर्किल के द्वारा लॉन्च किया गया है बेंगलुरु सर्किल ठीक है आई ने प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है बेंगलुरु सर्किल ने लॉन्च किया है डियर और यहां पर अगर हम बात करें तो भारतीय स्टेट बैंक ने बेंगलुरु में चार लेन देन बैंकिंग हब और एक कॉर्पोरेट वेतन पैकेज हब के साथ प्रोजेक्ट कुबेर को क्या किया है लॉन्च किया है बहुत ही सिंपल सी न्यूज है बहुत ज्यादा हमें बहुत ज्यादा हमें परेशान नहीं होना है क्योंकि सिंपल सी न्यूज है थ्योरी के पार्ट पे नहीं जाना एसबीआई प्रोजेक्ट कुबेर कहा किसके द्वारा लॉन्च किया गया बेंगलुरु सर्किल में लॉन्च किया गया है यहां पर क्या है भाई देखिए फर्स्ट इज पॉइंट निकलकर आ रहा है एक पॉइंट आ जाएगा फोर ट्रांजेक्शन बैंकिंग हब फोर ट्रांजेक्शन फोर ट्रांजेक्शन बैंकिंग हब यह शुरू किया गया है फर्स्ट इज सेकेंड इज आपका है वन कॉरपोरेट सैलरी पैकेज हब कॉरपोरेट सैलरी पैकेज हब ठीक है बस यही जो फिगर हमने क्रिएट किया है इसी फिगर से आप पूरी न्यूज को कनेक्ट कनेक कर सकते हैं देखिए डायरेक्टली आपको क्या दिख रहा है एसबीआई प्रोजेक्ट कुबेर बेंगलुरु सर्किल फर्स्ट इज फोर फोर ट्रांजेक्शन बैंकिंग हब शुरू किए गए हैं और आपका सिंगल वन कॉरपोरेट सैलरी पैकेज हब शुरू किए गए हैं भारतीय स्टेट बैंक ने बेंगलुरु में चार लेन देन बैंकिंग हब और एक कॉर्पोरेट वेतन पैकेज हब के साथ प्रोजेक्ट कुबेर को क्या किया है लॉन्च किया है तो प्रोजेक्ट कुबेर में फोर ट्रांजेक्शन बैंकिंग हब आएंगे वन कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज हब आएगा आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा यही हमारी हेडलाइन थी है ना दैट इज एस बेंगलुरु सर्किल लॉन्चेज प्रोजेक्ट कुबेर तो बहुत ही सिंपल सी न्यूज है आई होप आपको क्लियर हुई होगी चलिए नेक्स्ट देखते हैं और क्या पॉइंट्स आ रहे हैं भाई हब का उद्घाटन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बेंगलुरु सर्कल के मुख्य महाप्रबंधक नंद किशोर जी ने किया ये एसबीआई प्रशासनिक भवन मैसूर बैंक सर्कल केजी रोड बेंगलुरु में शंपिंग रोड मल्लेश्वर में मल्लेश्वरम में स्थित

ठीक है चीफ जनरल मैनेजर नंद किशोर जी के द्वारा इसको क्या किया गया है आ, आपका इनोग्रेट किया गया है तो बस चलिए इसी पॉइंट पे हम यहां पे इसको कनेक्ट कर लेंगे ठीक है तो बंगलुरु सर्कल में इनोग्रेट किसने किया है इनोग्रेटेड इनोग्रेटेड चीफ जनरल मैनेजर नंद किशोर नंद

तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ तो नेक्स्ट न्यूज की अगर हम बात करें तो उससे पहले देखिए कुछ और पॉइंट यहां पर बात हो रही है आ, यहां पर अगर हम बात करें एक और पॉइंट यहां पर बच रहा है उसको देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं दीज हब्स विल फोकस ऑन इंक्रीजिंग मार्केट शेयर इन प्रोडक्ट्स ये हब देनदारी उत्पादों में एसबीआई की बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो मार्केट लाइबिलिटी है उस पर फोकस होगा एसबीआई का मार्केट शेयर जो है लैबिलिटी प्रोडक्ट्स हैं वो क्या होंगे इंक्रीज होंगे ठीक है वो क्या होंगे इंक्रीज होंगे किसके होने से फोर ट्रांजेक्शन शुरू किया गया उसकी वजह से ठीक है प्रोजेक्ट कुबेर आपको नाम ध्यान रखना है डायरेक्टली क्वेश्चन इस तरह से एग्जाम में फ्रेम होगा है ना एसटी वगैरह में आपको अभी देखने को मिल जाएगा कि बताइए प्रोजेक्ट कुबेर अभी हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है तो आप आंसर क्या करेंगे एसबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है दूसरी तरह से क्वेश्चन इस तरह से रेज होगा कि बताइए प्रोजेक्ट कुबेर को एसबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है किस सर्कल में लॉन्च किया गया है ऑप्शन दिए होंगे तो क्या होगा राइट right आंसर बेंगलुरु सर्कल के द्वारा इसको क्या किया गया है लॉन्च किया गया है सर्व एज वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर डिजिटल हम बात करें योनो बिजनेस की हम बात करें ई पेमेंट्स की हम बात करें कैश मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स की एंड मोर तो ये यह सारी यहां पर चीजें क्या होंगी और एड हो जाएंगी ये हब हाँ डिजिटल बैंकिंग सेवाओं जैसे योनो बिजनेस ई पेमेंट्स कैश मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स ठीक है तो ये पॉइंट्स आपके यहां पर ऐड हो जाएंगे ये डिजिटल बैंकिंग से जैसे कि योनो बिजनेस को ठीक है तो इनक्रीजिंग एसबीआई के फॉर्म में अगर हम देखें तो इस तरह से हम यहां पर कनेक्ट कर लेंगे एसबीआई मार्केट शेयर इन लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स क्या होंगे यहां पर इंक्रीज हो जाएंगे लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स ठीक है इंक्रीज एसबीआई मार्केट शेयर इन लाइबिलिटी प्रोडक्ट सेकेंड इज नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो द हब विल सर्व वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज में क्या क्या पॉइंट आ जाएंगे डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज में फर्स्ट पॉइंट आ गया आपका योनो बिजनेस no योनो बिजनेस सेकेंड इज ई पेमेंट्स थर्ड इज कैश मैनेजमेंट आप लोग भी लिखते चलिएगा कैश मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स सेशन फ्रूटफुल तभी होगा जब आप पेन और कॉपी लेकर बैठेंगे और जो भी पॉइंट्स होते जाएंगे उनको नोट करते जाएंगे एक डेली की आपकी करंट अफेयर्स कॉपी होनी चाहिए जहां पर आप इन सारे पॉइंट्स को वन बाए वन वन बाए वन बाय बाय क्या करते जाएं ऐड करते जाएं पिक्चर्स के फॉर्म में एंड फिगर्स के फॉर्म में जैसा कि मैंने पहले भी आपको क्या हुआ है बताया है कन्फर्म किया है ठीक है ना डियर तो ये हमारा फिगर हो जाएगा आप इसी एक ही पेज पर सारे पॉइंट्स क्या कर लेंगे एड कर लेंगे ओवरऑल न्यूज आपको क्लियर होगी ठीक है डियर चलिए तो हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ नेक्स्ट न्यूज आ रही है बिल्कुल आ, बात हो रही है इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज वेसल की इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज वेसल की बात हो रही है तो डियर आप समझ पा रहे हैं इंडिया ने पहला फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज वेसल क्या किया गया है फ्लैग ऑफ किया गया है जैसा कि आप पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे सर्वानंद सोनोवाल जी के द्वारा इसको फ्लैग ऑफ किया गया है सर्वानंद सोनोवाल ने भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज पोत को हरी झंडी दिखाकर क्या किया है रवाना किया है ये जो इंटरनेशनल फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज वेसल है कहां से कहां तक जाएगा कौन सी कंट्री है जिससे हम कनेक्ट हो रहे हैं फाइनली तो वो सारे पॉइंट्स और फैक्ट्स को हम लोग आगे देखने वाले हैं तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट इज तो भाई इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज वेसल कैसे कनेक्ट करें तो हम कनेक्ट करेंगे इस तरह से इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल इंटरनेशनल क्रूज वेसल ठीक है लॉन्च किया गया है फ्लैग ऑफ किया गया है फ्लैग ऑफ फ्लैग ऑफ किसके द्वारा किया गया, गया आइडियल तो यूनियन मिनिस्टर हैं हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज एंड वाटरवेज सर्वानंद सोनोवाल ठीक है डियर सर्वानंद सोनोवाल देखिए थोड़ा सा मैंने चेंज किया हिंदी में लिखा मैंने इनका नेम श्री सर्वानंद सोनोवाल जी की बात हो रही यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वॉटरवे सर्वानंद सोनोवाल जी के द्वारा फ्लैग ऑफ किया गया है क्या इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज वेसल है बहुत ही इंपॉर्टेंट सीधा सा वन लाइनर आपके न्यूज हो रही है और इस क्रूज वेसल को नाम क्या दिया गया भाई एम वी इम्प्रेस एम वी इंप्रेस तो एम वी इंप्रेस ध्यान रखेंगे ये भी आपका बन सकता है कि कोई भी क्वेश्चन बने तो डायरेक्टली एम वी एमप्रेस ही आपको पूछ दे एम वी इंप्रेस फ्लैग ऑफ किया गया इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज वेसल है और इसको यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वॉटर वेज सर्वानंद सोनोवाल जी के द्वारा क्या किया गया फ्लैग ऑफ किया गया है अब हम बात कर लेते हैं कहां से कहां तक भाई तो चेन्नई चेन्नई टू श्रीलंका चेन्नई टू श्रीलंका तो उतना आपको आई होप आपको इतना क्लियर होगा बिल्कुल न्यूज पूरी तरह से क्या हो चुकी है कनेक्ट हो चुकी है कुछ और भी पॉइंट्स हमको फैक्ट्स मिलेंगे तो फाइनली उनको हम डिस्कस करेंगे देखिए यहां पे मैं इस तरफ आ जाता हूं केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने चेन्नई से श्रीलंका के लिए भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज वेसल एमवी इंप्रेस को हरी झंडी दिखाई है तो बहुत ही सिंपल है ना फटाफट से स्क्रीन ले लेंगे आई होप इतना आपको क्लियर हो रहा फटाफट से कमेंट बॉक्स में यस करते जाएंगे क्लियर हो रहा है तो यस करते जाएंगे बिल्कुल क्लियर सेकंड न्यूज पे हैं हम लोग सेकंड न्यूज डिस्कस हो रही है आज की है ना न्यूज़ पर हैं ठीक है क्लियर है आपको चलिए चलते है हैं में तीन हजार यात्रियों को समायोजित करने की क्षमता है जिसे चेन्नई बंदरगाह से हरी झंडी दिखाई गई थी श्रीलंका में तीन बंदरगाहों को यह कनेक्ट करेगा भाई बंदरगाहों का नाम क्या है डियर। ये भी आप अगर बंदरगाह कनेक्ट कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा है ना त्रिकोण मेल हम्बन टोटा और जाफना त्रिकोण मेल हम्बन टोटा और जाफना तो श्रीलंका कौन कौन से बंदरगाह हैं तो यहां पर आप ऐड कर देंगे त्रिकोण मेल ट्रिकोन मेल हम्बन टोटा और जाफना और जाफना ठीक है ये तीन बंदरगाह है जिनको ये क्या करेगा कनेक्ट करेगा तो इसी तरह से आप भी यहां पर पॉइंट क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे ठीक है मैं थोड़ा सा इसी वजह से साइड हो गया हूं जिससे आप स्क्रीन आसानी से ले सकें ठीक है त्रिकोन मेल टोटा एंड जाफना जो कि यहां पर बिल्कुल मेंशन है त्रिकोन मेल टोटा एंड जाफना इन श्रीलंका ठीक है डियर नेक्स्ट इज नेक्स्ट न्यूज हमारी निकल कर आ रही है इंडिया श्रीलंका बिल्कुल सेकंड न्यूज भी हमारी इंडिया और श्रीलंका से ही कनेक्ट हो रही है इंडिया श्रीलंका डिफेंस सेमिनार एक डिफेंस सेमिनार का एग्जीबिशन एक एग्जीबिशन एक हेल्ड की गई है है ना टुमारो यानी हम बात कर रहे हैं बिल्कुल कल की एट uh, ताज समुद्र कोलंबो ताज समुद्र इन कोलंबो में ये एक आपकी डिफेंस सेमिनार है जिसको एग्जीबिशन जिसकी शुरू की गई है एग्जीबिशन की जा रही है इंडिया एंड श्रीलंका के बीच डिफेंस सेमिनार का एग्जीबिशन टू बी हेल्ड टुमारो एट ताज समुद्र इन कोलंबो ठीक है टुमारो देखिए जब ये न्यूज कलेक्ट की गई है तो टुमारो नहीं यस्टरडे हो जाएगा यहां पर ठीक है टुमारो नहीं यस्टरडे होगा आपका यस्टरडे ठीक है तो भारत श्रीलंका रक्षा संगो सह प्रदर्शनी कोलंबो में ताज समुद्र में आयोजित की जाएगी आप पिक्चर्स में भी देख पा रहे जून को यह ऑर्गेनाइज की गई है है ताज समुद्र ठीक हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया हाई कमिश्न ऑफ इंडिया कोलंबो इंडिया श्रीलंका डिफेंस सेमिनार कम एग्जीबिशन डिफेंस सेमिनार कम एग्जीबिशन ठीक है ना चलिए कैसे कनेक्ट करेंगे न्यूज को तो चलिए देखते हैं भाई इंडिया श्रीलंका डिफेंस सेमिनार कम एग्जीबिशन कम एग्जीबिशन ठीक है डियर ये कहां पर हेल्ड हुई है कोलंबो में कोलंबो लोकल प्लेस की बात करें तो ताज क्या था ताज समुद्र ताज समुद्र तो इस तरह से आप इसको क्या कर पाएंगे कनेक्ट कर पाएंगे भारत की रक्षा और ये क्यों किया गया अड़ियल देखिए यहां पे ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं भारत भारत की की रक्षा रक्षा निर्माण निर्माण क्या है इसका भारत के क्षमताओं पहचान करने के लिए एक कार्यक्रम के रूप में श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है भारत श्रीलंका रक्षा संगोष्ठी सह प्रदर्शनी कल कोलंबो के ताज समुद्र में आयोजित की गई थी ठीक है ना डियर सेवेंथ जून 2023 को ये क्या की गई आयोजित की गई कहां पर कोलंबो में ताज समुद्रा में डिफेंस सेमिनार का एग्जीबिशन है ठीक है आई होप पॉइंट क्लियर होगा बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है बहुत ज्यादा यहाँ डिटेल में हमें नहीं जाना है कुछ और पॉइंट्स देख ले रहे हैं क्या बोल रहे हैं श्रीलंकाई सशस्त्र बलों द्वारा भारतीय रक्षा उपकरणों का बहुत अधिक यूज किया जैसे पहले भी किया गया है जैसे कि इंद्र रडार हो गया उन्नत अपतटीय गश्ती जहाज हो गए एल सेवेंटी बंदूकें हो गई डोनियर विमान हो गए सेना प्रशिक्षण सिमुलेटर हो गए उपयोग करने के साथ इस आयोजन से स्वदेशी रक्षा निर्माण के लिए एक मौका मिलने की संभावना होती है नाडियर देखिए न्यूज को कलेक्ट करना और फाइनल वहां से पॉइंट्स को रिलेट करना कि क्या क्या पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये इंपॉर्टेंस हम देखकर यहां पर चलते हैं तो वे श्रीलंका फोर्सेस यूटिलाइजिंग इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट सच एज रडार की बात करें एडवांस पेट्रोल वेसल की बात करें एल गन्स की बात करें या डोनियर एयरक्राफ्ट की बात करें इससे पहले भी ट्रेनिंग सेमिलेटर्स का श्रीलंका से क्या कर चुका है यूज कर चुका है तो बिल्कुल डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से इस तरह से रेज होगा बताइए अभी हाल ही में एक डिफेंस कम सेमिनार आयोजित किया गया है डिफेंस कम एग्जीबिशन आयोजित की गई है ये एग्जीबिशन इंडिया ने आयोजित की है और फाइनली कहां पर यह हुई है तो किस कंट्री में हुई है श्रीलंका में हुई है किस कहां पर हुई है कोलंबो में हुई है ताज समुद्रा लोकल प्लेस हो जाएगा तो फाइनली इस तरह के ये पॉइंट्स आपके हो रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए क्या होंगे ओरिएंटेड होंगे और फाइनली यहीं से इस तरह से क्वेश्चंस आपके रेज होंगे आई होप इतना आपको क्लियर हो रहा होगा डन इतना सभी का ओके okay, डन इतना बिल्कुल है ना जाग जाओ सेरो बिल्कुल एक्टिव रह के आप बिल्कुल फाइंड फैक्ट्स ऐड करते रहे हैं ना आई होप आप समझ पा रहे होंगे है ना बिल्कुल यस करें चैट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में ओके वेरी गुड चलिए बहुत अच्छे वेरी गुड तो डियर कुछ और पॉइंट देखिए लास्ट भाई ये आयोजन का उद्देश्य क्या है एक स्थिर और शांतिपूर्ण हिंद महासागर के क्षेत्र को यानी हम बात करें इंडियन ओशियन रीजन की है ना टू फोस्टर अ स्टेबल पीसफुल इंडियन ओशियन रीजन इंडियन विजन ऑफ सिक्योरिटी एंड ग्रोथ इसका विजन क्या है, है भाई, आ, सभी के लिए सुरक्षा हो विकास हो ग्रोथ हो सिक्योरिटी फॉर ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन दी आइडेंटिफाई एरिया ऑफ कॉपरेशन ऑफ इकोनॉमिक राइवल वाइल बोलस्टरिंग द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द श्रीलंका आर्म्ड फोर्स ऑफ द श्रीलंका आर्म्ड फोर्स आर्थिक पुनरुत्थान के लिए सहयोग के क्षेत्रों की पहचान करना चाहता है क्लियर इतना सभी को तो बहुत यहां पे डिटेल्स में नहीं जाना है बहुत सारे पॉइंट्स को ऑब्जेक्टिव्स को हमने यहां पर ऐड कर दिया है ना आई होप बिल्कुल क्लियर हुआ होगा ठीक है चलिए चलिए इसी के साथ ही हम लोग चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई बिल्कुल स्टेट करंट अफेयर्स से न्यूज निकल कर आ रही है उड़ीसा की बात हो रही है उड़ीसा उड़ीसा बिकम द फर्स्ट स्टेट बना है नोटिफाया कमेटी फॉर कंजर्वेशन ऑफ सीड्स सीड्स के कंजर्वेशन के लिए प्रिजर्व के लिए बाय ट्राइबल फार्मर्स

इंपॉर्टेंट होने वाले हैं चलिए तो फर्स्ट इज वही कैसे कनेक्ट करेंगे उड़ीसा उड़ीसा फर्स्ट फर्स्ट स्टेट स्टेट बना है state, ठीक है किस बात के लिए फर्स्ट स्टेट बना उड़ीसा सरकार ने बीज प्रणालियों के लिए मानक संचालन प्रोटोकॉल यानी एसओपी के अनुसार पारंपरिक बाजरा किस्मों को जारी करने के लिए आ, जारी करने के लिए एलवीआरएस लेंड, वर्टिकल

बिल्कुल यार इसी तरह से हम लोग कनेक्ट करते हैं कंजर्वेशन ऑफ सीड्स कंजर्वेशन ऑफ सीड्स ठीक है प्रिजर्व इन ट्राइबल फार्मर्स प्रिजर्व ट्राइबल फार्मर्स है ना अब देखिए थ्योरी के पार्ट पे लिखा था हमने फिगर में क्या कर लिया कन्वर्ट कर लिया क्या क्या पॉइंट्स होंगे जो कनेक्ट करेंगे बस उनकी हमें समझ लेनी है उनका हमें अंडरस्टैंडिंग समझना है कि हम कैसे उसको कनेक्ट करते हुए चले ठीक है तो कंजर्वेशन ऑफ सीड्स प्रिजर्व इन ट्राइबल फार्मर्स ओके ओके यहां पर देखो मैंने ओके वन सेकेंड ट्राइबल फार्मर्स ठीक है डियर फिर एक और पॉइंट आ रहा है क्या इस्टेब्लिश द कमेटी कार्ड द कमेटी कौन सी है भाई एक कमेटी इन्होंने स्टेब्लिश की है एल वी आर सी तो एल वी आर सी का डियर फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा लैंडरेस वेराइटल रिलीज कमेटी लैंड्रेस मेरे साथ साथ लिखते चलिए लैंड्रेस वेराइटल रिलीज कमेटी ठीक है प्रिजर्व करने के लिए ट्राइबल फार्मर्स के लिए कौन सा ऐसा स्टेट बन गया है जो फर्स्ट स्टेट बना है इस तरह से आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन क्या होगा फ्रेम होगा क्लियर डियर आई होप फिगर आप समझ पा रहे होंगे कैसे हमें कनेक्ट करना है डन इतना चलिए और देखते हैं और क्या पॉइंट्स हो रहे हैं नवगठित लैंडरेस वैरायटी 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 रिलीज कमेटी जो है उड़ीसा हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया इंडिया का फर्स्ट स्टेट बनाया टू डेवलप अ प्रोटोकॉल फॉर रिलीजिंग इंडिजीनस मिलेट वैराइटीज प्रोटेक्टेड बाय ट्राइबल फार्मर्स फॉर सेंचुरीज नवगठित स वैरायटी रिलीज कमेटी के साथ उड़ीसा सदियों से आदिवासी किसानों द्वारा संरक्षित स्वदेशी बाजरा किस्मों को जारी करने के लिए एक प्रोटोकॉल विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है तो इंडिया का फर्स्ट स्टेट बना है है ना इंडिया का फर्स्ट स्टेट है इंडिया फर्स्ट स्टेट इंडिया

होप इतना आपको क्लियर होगा ठीक है डियर। नेक्स्ट इज ये भी पॉइंट अभी हम लोग देख चुके हैं बहुत टाइम से किसानों के लिए ये कि ये मांग उठ रही थी फाइनली और इसको यहां पर क्या दिया गया अप्रूवल दे दिया गया है फाइनली और एसओपी एसओपी भी एक वर्ड यूज हुआ है भाई एसओपी एसओपी स्टैंड्स फॉर क्या है एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटो ओके सॉरी प्रोटोकॉल्स ठीक है डियर आई होप क्रिस्टल क्लियर होगा चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रेज ठीक है चलते नेक्स्ट न्यूज की तरफ नेक्स्ट न्यूज आ रही है आरबीआई से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिल्कुल आरबीआई से न्यूज निकल कर आ रही है आरबीआई ने वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड

तो so, आरबीआई ने लॉन्च किया है फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड अंतर दृष्टि कैसे कनेक्ट करें तो दैट इज आरबीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड फाइनेंशियल इंक्लूजिंग इंक्लूजन ओहो फाइनेंशियल फाइनेंशियल inclusion डैशबोर्ड आई होप आप सभी सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे अगर आप सेशन को एंजॉय कर रहे हैं तो फटाफट -फड़ से लाइक like करते चले फटाफट -फड़ से लाइक like करते चले मैक्सिमम अभी भी जो लोग ऐड नहीं हो पाए हैं कनेक्ट नहीं हो पाए हैं उनको भी शेयर कर दें जिससे ऐड हो सके और इतनी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन इतनी इंटरेस्टिंग न्यूज उनकी मिस ना हो तो फटाफट -फड़ से आप शेयर करते जाएंगे और भाई अगर आपको लग रहा है कि बिल्कुल यहां पर एफर्ट्स किए गए हैं है ना तो बिल्कुल लाइक करते चले लाइक करते चले आपके लाइक आपका एक लाइक क्या करता है मुझे इंस्पायर करता है मुझे और अच्छे कंटेंट को लाने में क्या करता है इंस्पायर करता है तो फटाफट -फड़ से लाइक करते चलेंगे ठीक है ना यार फटाफट -फड़ से लाइक करते चलेंगे कोई भी न्यूज अगर क्रिस्टल क्लियर नहीं हो रही है तो एक एक पॉइंट क्लियर किया जाएगा ठीक है तो आरबीआई ने फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड को क्या किया है लॉन्च किया है लॉन्च किया है क्या नाम है अंतरद्रष्टि अंतरद्रष्टि बिल्कुल डियर हम इस तरह से भी कनेक्ट कर सकते हैं देखो कहीं पर हिंदी में लिखा है हमने अगर इसमें इस तरह से लैंग्वेज चेंज कर दी तो फाइनल वहां पर बढ़ जाता है है ना फोकस बढ़ जाता है लेकिन कहीं और हमें इस तरह से क्या चीजें नहीं करनी होती है फाइनली है ना अंतरदृष्टि यहां पर आ जाएगा फाइनली अंतरद्रष्टि को क्या किया है लॉन्च किया है तो फटाफट से आप ऐसे भी लिख लेंगे अंतर दृष्टि ठीक है ना

इंक्लूजन तो क्या फाइनेंशियल तो हम बात फाइनेंशियल इंक्लूजन है अगर हम नाम फाइनेंशियल इंक्लूजन का प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना या हम वन नेशन वन राशन कार्ड की बात करें या अगर बहुत सारी स्कीम्स की बात करें ये सारी कैसे इतनी आसानी से ग्राउंड लेवल पे काम कर पाती है तो वो डियर है फाइनेंशियल इंक्लूजन फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है अधिक से अधिक लोगों को बैंकों की सर्विसेज से कनेक्ट करना है ना जैसे हम लोग पॉइंट्स को या न्यूज को कनेक्ट करते हैं ठीक उसी तरह से अधिक से अधिक लोगों को बैंकों की सर्विसेज से कनेक्ट करना ही क्या कहलाता है फाइनेंशियल इंक्लूजन फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे अगर इतनी बात आप समझ पा रहे हैं तो है ना अधिक से अधिक लोगों को बैंकों की सर्विसेज से कनेक्ट करना यानी जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं है उसका अकाउंट ओपन करा देना है ना यही तो किया गया था किसके द्वारा किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू की गई थी 28 अगस्त 2014 को 28 एट अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च की गई प्रधानमंत्री जनधन योजना का मेन मोटिव क्या था फाइनेंशियल इंक्लूजन अगर हम इससे पहले बात करें तो इससे पहले क्या कोई फाइनेंशियल इंक्लूजन लिए योजना नहीं थी स्कीम नहीं थी जी हाँ बिल्कुल थी दो में यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा एक शुरू की गई थी स्कीम जिसका नाम क्या था शायद आप सभी ने सुना हो स्वाभिमान स्कीम स्वाभिमान so, स्कीम का भी काम क्या था जीरो बैलेंस अकाउंट को ओपन करना अट्ठाईस अगस्त दो हजार चौदह को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू की गई जिसमें जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने की बात की गई थी और फाइनली बहुत ही आ, बल्क लेवल पर बहुत ही युद्ध स्तर पर प्रधानमंत्री जनधन योजना के द्वारा अकाउंट्स ओपन किए गए और अगर प्रधानमंत्री जनधन योजना के द्वारा अकाउंट्स ना ओपन किए गए होते तो जब मोदी जी ने कब डिमोटाइजेशन कर दिया रात में आठ बजे कर, आठ आठ बजे आकर आकर नवंबर को पांच सौ हजार के नोट क्या कर दिए लीगल टेंडर से बाहर कर दिए बोला ये लीगल टेंडर नहीं रहेंगे है ना तो अगर अकाउंट ना ओपन कराए होते तो फाइनली कहां पर ये डिपॉजिट किया जाता तो फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है अधिक से अधिक लोगों को बैंकों की सर्विसेज से कनेक्ट करना ऐसे एरियाज जहां पर बैंकों बैंकों की की सर्विसेज सर्विसेज नहीं है है वहां तक की को पहुंचाना क्या कहलाता फाइनेंशियल इंक्लूजन अब आप बोल रहे होंगे सर बहुत ही सुन ली हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन की बहुत हुआ है ना फाइनेंशियल इंक्लूजन फाइनेंशियल इंक्लूजन इसका बताइए कि शॉर्ट में वन लाइनर पॉइंट में क्या बेनिफिट है फायदा क्या है तो डियर फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो बेनिफिट है वो क्या है बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं फटाफट फड़ से मैं बताने ही वाला हूं बिल्कुल है ना आप लोग बता सकते हैं आप लोगों के पास टाइम है दस सेकेंड का टिक टिक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टाइम अप टेन फाइनेंशियल इंक्विजन का मेन बेनिफिट क्या है डी बी टी डीबीटी स्टैंड फॉर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण है ना प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और अगर हम बात करें डियर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ही वो है जिसके जरिए अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई फार्मर्स को आ, आपका कितना है छह हजार रुपए जो प्रोवाइड किए जाते हैं अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन के द्वारा अकाउंट्स ना ओपन किए गए होते तो क्या इतनी आसानी से छह हजार रुपए फार्मर्स तक पहुंचाना पॉसिबल था बताइए पॉसिबल था इसलिए फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है एक हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह से काम करता है कि भाई हमारे पास क्या होना चाहिए अकाउंट होना चाहिए बेसिक नीड है बहुत सारे ऐसे एरिया जहां तक बैंकों की कनेक्टिविटी नहीं है वहां तक बैंकों को पहुंचाना इट इज कॉल्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन ठीक है बहुत डीप में हम लोग जाने लगे बैंकिंग अवेयरनेस के है ना चलो यहीं तक रखते हैं अगर हम बात करें एक और पॉइंट लास्ट पॉइंट कि फाइनेंशियल इंक्लूजन पेमेंट बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक को ओपन करना भी पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक को ओपन करना भी किसके अंदर आएगा फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर क्योंकि ये किसके वीकर सेक्शन के लिए काम करते हैं कौन बैंक पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक ओपन करने लिए के लिए कितनी कैपिटल 100 करोड़ स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए कितनी कैपिटल 300 करोड़ पेमेंट बैंक इन इनविच कमेटी मोर स्मॉल फाइनेंस बैंक इन इनविच कमेटी उषा थोराट कमेटी है ना

पॉलिसी इनिशियटिव एंड लॉन्च ऑफ अंतर दृष्टि इज एन स्टेप इन दिस डायरेक्शन यानी अंतर दृष्टि एक और यहां पर क्या हो गया स्टेप हो गया जो कि लिया गया है किसके द्वारा आरबीआई के द्वारा और इसे लॉन्च किया गया है अंतरद्रष्टि ठीक है ना अंतर दृष्टि द फाइनेंशियल इंक्जन इंडेक्स वॉज लॉन्च इन टू नाइज ट्वेंटी वन टू मेजर फाइनेंशियल फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स भी देखो लॉन्च हो चुका है ये कब हुआ? अगर कभी कोई आपसे पूछे, तो आप बता सकते हैं कि भाई फाइनेंशियल इंक्लूजन जो इंडेक्स है ये हमारा कब लॉन्च हुआ था कब लॉन्च हुआ था 2021 में है ना कब लॉन्च हुआ 2021 में इंडेक्स और इंडेक्स तो आप जानते ही हैं इंडेक्स क्या होता है किसी भी चीज की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए है ना इंडेक्स दैट इज सूचकांक जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भाई शेयर मार्केट आज टॉप जा रहा है 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 ना डाउन जा रहा है. कैसे पता चलता है इंडेक्स से निफ्टी से निफ्टी फिफ्टी है ना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स बहुत सारे परफॉर्मेंस इंडेक्स आते हैं करप्शन इंडेक्स आता है हैप्पीनेस इंडेक्स आता है बहुत सारी रैंकिंग होती है इंडेक्स होती है जिससे हम परफॉर्मेंस पर क्या कर पाए फोकस कर पाए और आगे उनको इंप्रूव कर पाए ठीक ना डियर आई होप इतना क्लियर होगा आरबीआई ने लॉन्च किया है अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड लॉन्च किया है ठीक है आई होप क्लियर है इतना चलिए फटाफट फड़ से हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फेज नेक्स्ट न्यूज फिर देखिए आरबीआई से फिर एक और न्यूज आ रही है बिल्कुल आप देख पा रहे अरे ये क्या हो रहा है भाई ये क्या कर रहा है आरबीआई आरबीआई ये क्या करता हुआ दिख रहा है डियर आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पे है ना समझ पा रहे होंगे ये आरबीआई क्या कर रहा है है ना ये आरबीआई क्या कर रहा है आरबीआई चेक कर रहा है क्या चेक कर रहा है बैंक सही तरह से काम कर भी रहे हैं या नहीं है ना जैसे कभी कभी होता है क्या जब आ, हमारे एग्जाम्स आते हैं या टेस्ट होते हैं या एसटी के मार्क्स होते हैं कभी कोई मिल गया एसटी के मार्क्स दिखाओ एसटी दिया बताओ एसटी में कितने मार्क्स आए है ना कितना अटेम्प्ट किया ज़िए? कितना गलत हुआ है ना तो जैसे ही आरबीआई ये क्या कर रहा है चेक कर रहा है किसको बैंक्स को बैंक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर भी रहे हैं या नहीं तो बिल्कुल यहां पर निकलकर आ रही है पेनाल्टी और यह पेनाल्टी लगाई है आरबीआई ने किस पर लगाई है भाई बैंक का नाम आप देख पा रहे होंगे इंडियन ओवरसीज बैंक आरबीआई इंपोजेज 2.20 करोड़ पेनाल्टी टू इंडियन ओवरसीज बैंक फॉर रूल वायलेशन भाई कोई रूल वायलेट हो गया तो क्या पेनाल्टी के बिना काम बनेगा बिल्कुल नहीं बनेगा पेनाल्टी हमको लगानी ही लगानी पड़ेगी ठीक है अगर ठीक है अगर वो हम माफ कर सकते हैं उसको तो ठीक है लेकिन जब रूल्स वायलेट होते हैं रूल एंड रेगुलेशन को वायलेट किया जाता है तो फाइनली पेनाल्टी इंपोज करनी ही करनी पड़ती है और ये पेनल्टी इंपोज की है किसने आरबीआई ने आप अच्छे से देख पा रहे हैं यहां पर क्या किया जा रहा है आरबीआई के द्वारा चेक किया जा रहा है कि बैंक्स रूल एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं या नहीं चाहे वो रिस्क का एक्सपोजर हो या किसी भी लोन से देने से पहले हमें ये पता करना होता है कि इस लोन पर रिस्क कितनी है सही तरीके से बैंक डिफाइन कर भी रहे हैं या नहीं ठीक है ना डियर चलिए तो देखते हैं कैसे कनेक्ट करेंगे तो भाई सीधा सा ओके पेन चेंज कर लेता हूं है ना आरबीआई आ जाएगा आरबीआई पेनाल्टी इंपोज की है पेनाल्टी इंपोज की है कितने अमाउंट की पेनाल्टी है डियर 2.20 टू सीआर इतना ही तो था ना भाई 2.20 पॉइंट सीआर किस पर इंपोज की गई है इंडियन ओवरसीज बैंक इंडियन ओवर सीज बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक तो आरबीआई पेनाल्टी इंपोज हुई 2.20 करोड़ की किस पर इंडियन ओवरसीज बैंक पर ठीक है डियर आई होप बिल्कुल यहां पर भी आप देख पा रहे होंगे फंड्स आए और फंड्स गए इंडियन ओवरसीज बैंक वर्ष 2020-21 के लिए अपने घोषित लाभ के 25 प्रतिशत की अनिवार्य न्यूनतम राशि को अपने आरक्षित क्या ऐसा किया ने, जो हो गए के, और फाइनली पर क्या, हो गई? हो गई। तो ऐसा क्या किया गया है इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा तो वहां पर यहां पर यही आपको बताया गया है इंडियन ओवरसीज बैंक फेल्ड टू ट्रांसफर ये फेल रहा है ट्रांसफर करने में फेल टू ट्रांसफर द मैंडेटरी मिनिमम अमाउंट मैंडेटरी मिनिमम अमाउंट को 25% ऑफ इट्स डिक्लेयर डिक्लेयर प्रॉफिट प्रॉफिट अपना जो है उसको करने में 2021 में ईयर रिजर्व जो करना था वो ये अनिवार्य न्यूनतम राशि को अपने आरक्षित कोष में स्थानांतरित करने में विफल रहा है ठीक है किस तरह से आप समझेंगे इंडियन ओवरसीज अपने घोषित लाभ है ना कैसे हम कनेक्ट करें देखो फटाफट फड़ से हम लोग बिल्कुल यहां पर कनेक्ट कर लेंगे बिल्कुल कर लेंगे डिक्लेयर्ड प्रॉफिट है ना जैसे क्या होता है कि कोई आप बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज है है ना तो आपको कुछ प्रॉफिट हुआ तो जो प्रॉफिट निकल कर आया उसका कुछ अमाउंट क्या कहते हैं कि हम आगे के लिए उसको क्या करेंगे रिजर्व करके रखेंगे कभी यू, यू, कोई जरूरत पड़ी या कोई इमरजेंसी आई तो हम उस फंड को यूज कर पाएंगे तो ऐसे ही जो प्रॉफिट डिक्लेयर किया इंडियन ओवरसीज बैंक ने उसमें उसका मैंडेटरी अमाउंट कितना 25 परसेंट जो क्या करना होता है है ना 25 परसेंट क्या करना है मैंडेटरी मैंडेटरी सॉरी मैंडेटोरी मैंडेटरी मिनिमम अमाउंट मैंडेटरी मिनिमम अमाउंट जो हमें क्या करना था रिजर्व करना था ठीक है ना रिजर्व और ये रिजर्व करने में फेल रहा कौन फेल रहा इंडियन ओवरसीज बैंक डिक्लेयर प्रॉफिट जो प्रॉफिट डिक्लेयर किया उसका ट्वेंटी फाइव परसेंट क्या करना था मैंडेटरी मिनिमम अमाउंट है इसको रिजर्व करने में फेल रहा इंडियन ओवरसीज बैंक तभी यहां पर पेनाल्टी लगा दी गई किसके द्वारा आरबीआई के द्वारा किस पर इंडियन ओवरसीज बैंक पर और कितनी पेनाल्टी लगाई गई है 2.20 पॉइंट सीआर की 2.20 पॉइंट टू जीरो सीआर की आई होप इतना आप क्लियर समझ पा रहे होंगे फटाफट से आप लोग स्क्रीन शॉट ले लेंगे जो भी स्क्रीन शॉट ले रहे हैं या कनेक्ट करते चल रहे हैं नोट करते चल रहे हैं तो फटाफट फट नोट कर लेंगे ठीक है डियर चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट इज नेक्स्ट पॉइंट पे नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या बोल रहे हैं यह yeah, जुर्माना जो लगाया है यह देखो आरबीआई कोई भी जुर्माना या कोई भी चीज करता है तो फाइनली कहीं ना कहीं वो क्या होता है रूल आउट होता है कहीं ना कहीं मेंशन होता है ऐसे हवा में नहीं होता कि आरबीआई का मना है चलो पेनल्टी लगाते हैं चलो लगा देते हैं इंडियन किस पे लगाते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक पे लगा देते हैं मन कर रहा है इस पर लगाने की लगा देते हैं है ना ऐसा नहीं होता है है ना यह yeah, जुर्माना बैंकिंग विनिमयन अधिनियम नाइनटीन यानी रियर बिल्कुल किसकी बात हो रही है है ना यहां पर बात हो रही है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की और 1949 इतना बस आपको ध्यान रखना है कौन से सेक्शन को यूज किया है uh, तो द हैज बीन इंपोज इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स वेस्टेड अपनी पावर को वेस्ट किया है है ना इंडियन ओवरसीज बैंक ने आरबीआई अंडर प्रोविजन सेक्शन 47 सेवन ए वन फोर्टी सेवन ए वन रीड विद सेक्शन फोर्टी सिक्स फोर फर्स्ट है ना बहुत सारे डिटेल्स में नहीं जाना है इतना sections आपको ध्यान नहीं रखने लेकिन बस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के ये के कुछ सेक्शंस हैं जिनका यूज करते हुए आरबीआई ने इंडियन ओवरसीज बैंक पर क्या की है पेनाल्टी इंपोज की है ठीक है डियर इतना आपको क्लियर है बिल्कुल आई होप इतना क्लियर है चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इज नेक्स्ट हम बात करें बिल्कुल तो बात हो रही है भाई लेवेंडर की है ना भद्रवाह भारत की लेवेंडर राजधानी और कृषि स्टार्टअप हब के रूप में उभरा है भद्रवाह इमरजेज एज इंडिया कैपिटल एंड एग्री स्टार्टअप हब है ना जम्मू कश्मीर की बात करें जम्मू कश्मीर का भद्रवाह जो जिला है डिस्ट्रिक्ट है भारत की लेवेंडर राजधानी और कृषि स्टार्टअप हब के रूप में उभरा है तो चलिए देखते हैं क्या पॉइंट्स होने वाले हैं जिन्हें हम कनेक्ट करेंगे और जिन्हें हम यहां से बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से देखने वाले हैं तो नेक्स्ट इज बिल्कुल भाई कैसे कनेक्ट करें तो सबसे पहले जम्मू एंड काश्मीर जीएनके कौन सा आपका डिस्ट्रिक्ट आ रहा है भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट आ रहा है ठीक है ना कौन सा डिस्ट्रिक्ट आ रहा है भद्रवाड़ डिस्ट्रिक्ट आ रहा है भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट ठीक है भाई क्या किया गया भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट के लिए लेवेंडर आ, फेस्टिवल लेवेंडो फेस्टिवल ठीक है ये इनोग्रेट किया गया है टू डे का टू डे लेवेंडर फेस्टिवल टू डे टू डे लेवेंडर फेस्टिवल है और ये किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है तो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा क्या किया गया है इनोग्रेट किया गया है इनोग्रेट किया गया है इनोग्रेटेड, ठीक है लेवेंडर फेस्टिवल टू डे लेवेंडर फेस्टिवल ठीक है क्लियर है इतना सभी को ठीक है तो भाई केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर की भद्रवा घाटी में दो दिवसीय लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया और कहा कि केंद्र शासित प्रदेश भारत की लेवेंडर राजधानी और एक प्रमुख कृषि स्टार्टअप गंतव्य के रूप में उभरा है तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है भद्रवा डिस्ट्रिक्ट जे एंड का है यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा इनोग्रेट किया गया है लेवेंडर फेस्टिवल शुरू किया गया जैसा हमने यहां पर हेडलाइन में ही देखा भद्रवा भारत की लेवेंडर राजधानी और कृषि स्टार्टअप हब के रूप में उभरा है लेवेंडर कैपिटल एंड एग्री स्टार्टअप है ना एग्री स्टार्टअप एग्री स्टार्टअप हब या डेस्टिनेशन एग्री स्टार्टअप डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन बहुत ही सिलेक्टेड न्यूज होती है डियर, है ना बहुत ही सिलेक्ट करके लाई जाती है कि एग्जाम ओरिएंटेड हो है ना आई होप आप इतना क्लियर कर पा रहे होंगे फाइनली आपने नोट कर लिया होगा स्क्रीन भी ले लिया होगा है ना फटाफट स्क्रीन ले लेंगे ठीक है चलिए चलते हैं नेक्स्ट इज भाई क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कनेक्ट हो रहा है डॉक्टर जितेंद्र सिंह डिस्क्राइब भद्रवाह एज द बर्थ प्लेस ऑफ इंडिया पर्पल रिवॉल्यूशन भाई इन्होंने बोला है जो पर्पल है पर्पल रिवॉल्यूशन है ये हम बर्थ प्लेस बोल रहे हैं किसको बर्थ प्लेस बोल रहे हैं लेवेंडर का लेवेंडर का बर्थ प्लेस बोल रहे हैं भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट को भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट जे एन के ठीक है पर्पल रिवॉल्यूशन एंड द डेस्टिनेशन ऑफ एग्री स्टार्टअप ठीक है आई होप जैसा हमने पहले देखा फाइनली आप इसको कनेक्ट कर पा रहे होंगे देन नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है भाई सी एस आई आर अरोमा सी एस आई आर अरोमा मिशन सी एस आई आर आई एम इंट्रोड्यूस लेवेंडर एंड प्रोवाइडेड मोर देन थर्टी लाख फ्री लेवेंडर प्लांट्स थर्टी लाख फ्री लेवेंडर प्वाइंट इसके द्वारा फार्मर्स को प्रोवाइड कराए गए ऑफ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सी एस आई आर अरोमा मिशन के तहत सी एस आई आर आई एम ने लेवेंडर पेश किया और जम्मू कश्मीर के विभिन्न जिलों के किसानों को थर्टी लैख थर्टी लैख से अधिक मुफ्त लेवेंडर प्लांट्स क्या किए गए प्रोवाइड किए गए लेवेंडर प्लांट्स ओ ओ लेवेंडर प्लांट्स क्लियर इतना बिल्कुल अब देखिए सीएसआईआर अरोमा की बात हुई है सीएसआईआर क्या है तो बिल्कुल इसके स्टैटिक फैक्ट की तरफ चलते हैं सीएसआईआर वैसे तो मैं स्टार्टिंग में शॉर्ट में बता सकता हूं लेकिन फाइनली ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसका इसका फुल, फुल आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे सीएसआईआर अगर हम बात करें काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की बहुत सारे फैक्ट स्टैटिक फैक्ट यहां पर ऐड किए हैं Motu, Motu क्या है सीएसआईआर का द इनोवेशन इंजन ऑफ इंडिया द इनोवेशन इंजन ऑफ इंडिया पेरेंट इंस्टीट्यूशन इसका क्या है तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाउंडर की बात करें तो डियर फाउंडर निकल कर आते हैं एयरकॉट रामसमय मुदालियार एयरकोट रामसमय मुदालियार शांति स्वरूप भटनागर है ना ये आपका established है। established कब हुआ? 26 1942. 26 सितंबर 1942। सितंबर 1942 को एस्टैब्लिश हुआ 80 इयर्स एगो है ना? प्रेसिडेंट इसके कौन होते हैं भाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं प्रेसिडेंट इसके कौन होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही होते हैं डायरेक्टर जनरल की बात करें तो डॉक्टर एन कैलेसेवली कैले सेल्वी यहां पर क्या है डॉक्टर एन केले आपके क्या है प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल है की बात करें तो बिल्कुल न्यू डेली में है है ना अनुसंधान भवन रफी मार्ग पर है ठीक है न्यू दिल्ली में है बिल्कुल डायरेक्टर जनरल डॉक्टर एन केले है, इसके इंडिया होते हैं ट्वेंटी फोर्टी टू को क्या हुआ था इस्टेब्लिश हुआ था पेरेंट इंस्टीट्यूशन कौन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर सी एस आई आर स्टैंड फॉर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, है ना? चलिए फटाफट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इज देखते हैं और क्या पॉइंट आ रहा है बिल्कुल लास्ट इज पॉइंट आ रहा है भद्रवा और डोडा जिले की बात करें किसानों को क्रमशाह दो हजार उन्नीस दो और दो यानी दो की बात करें बीस की बात करें फिर इक्कीस की बात करें ओहो वन सेकेंड इज टू थाउजेंड नाइनटीन 2020 21 एंड 22 अगर हम बात करें तो यहां पर आप देख कितना आ रहा है 2019 में 300 लीटर लेवेंडर ऑल फिर 500 लीटर फिर 800 लीटर और फिर आपका 1500 लीटर तो आप ग्रोथ देख पा रहे होंगे 19 20 21 एंड 22 ठीक है तो ये एज ए इन्फॉर्मेशन है याद नहीं रखना है पे लेकिन हाँ अच्छा फैक्ट है हम याद रख सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है लेवेंडर तेल का उत्पादन किया है और डोडा जिले के किसानों ने क्रमशः उन्नीस बीस में इक्कीस में 22 में आप इंक्रीमेंट देख रहे होंगे दो हजार था फिर फाइव हुआ फिर एट और फिर वन हुआ क्लियर इतना चलिए फटाफट से चलते हैं हम लोग नेक्स्ट डेज नेक्स्ट न्यूज बिल्कुल आ रही है बिल्कुल आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप की बात कर रहे हैं आई एस एफ जूनियर विश्व कप में गौतमी भनोट और अभिनव शाह ने गौतमी भनोट और अभिनव शाह ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम इवेंट में टीम इवेंट में है दोनों ने एक साथ क्या किया है गोल्ड मेडल जीता है मिक्स टीम इवेंट था आपका टेन मीटर एयर राइफल टेन मीटर एयर राइफल गौतमी भनोट और अभिनव शाह ठीक है तो चलिए कैसे कनेक्ट करेंगे कैसे न्यूज को देखेंगे गौतमी भनोट एंड अभिनव शाह तो बिल्कुल नाम लिख लेंगे गौतमी भनोट एंड अभिनव अभिनव शाह अभिनव शाह टेन मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम इवेंट इसमें इन्होंने क्या विन किया है गोल्ड गोल्ड विन किया है और डियर अगर हम बात करें तो बात किसकी हो रही है आई एस एस एफ जूनियर वर्ल्ड कप क्लियर है ना क्लियर इतना भारतीय निशानेबाज अभिनव शाह और गौतमी भनोट ने जर्मनी के सुहेल में आईएसएफ जूनियर विश्व कप में मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है अब देखिए ये आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप जो है ये कहां पर हो रहा है कहां पर हो रहा है तो जर्मनी के सुहेल में खेला जा रहा है ठीक है ना जर्मनी के सुहेल क्लियर है इतना इस जीत ने प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में भारत के दूसरे स्वर्ण पदक को अच्छा इससे पहले आईएसएफ वर्ल्ड जूनियर वर्ल्ड जूनियर वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो पहला गोल्ड मेडल किसने दिलाया था अभी बिल्कुल लेटेस्ट कल ही न्यूज का हमारा पार्ट था कल ही हमने यहां पर एक क्वेश्चन इसी से एक न्यूज आपकी यहीं से डिस्कस हुई थी तो बताइए पहला कहां था या गौतमी भनोट और अभिनव शाह ने टेन मीटर एयर राइफल में मिक्स टीम इवेंट में हमें क्या किया है गोल्ड मेडल दिलाया है ठीक है ना दियर? बिल्कुल गोल्ड मेडल जैसा कि अभी हमने देखा टेन मीटर एयर राइफल मिक्स टीम इवेंट में आई एस क्या किया है गोल्ड मेडल सिक्योर किया है, है टॉप इंडियन स्प्रिंटर बात हो रही है अमलन बोरगेहन की अमलन बोर्गहन की अमलन बोरगेहन भारतीय धावक हैं और इन्होंने फ्लैंडर्स कप 2023 एथलेटिक्स में दो स्वर्ण पदक जीते हैं 100 मीटर और 200 मीटर दोनों में इन्होंने क्या किया है स्वर्ण पदक जीते हैं भारतीय धावक हैं इंडियन स्प्रिंटर अमलन बोरग्रहन तो चलिए देखते हैं कनेक्ट करते हैं इंडियन स्प्रिंटर इंडियन स्प्रिंटर अमलन बोरग्रहन ठीक है कितने मेडल जीते हैं दो गोल्ड मेडल इन्होंने विन किए हैं दो गोल्ड मेडल इन्होंने विन किए हैं और डियर यहां पर अगर हम बात करें तो फ्लैंडर्स कप फ्लैंडर्स कप 2023 में ठीक है एथलेटिक्स मीट है और ये 100 मीटर एंड 200 मीटर तो एंड मीट 100 100 200 मीटर दौड़ में एक एक स्वर्ण पदक जीता है यानी टोटल इन्होंने दो गोल्ड मेडल जीते हैं तो बिल्कुल भाई बहुत ही अच्छे तरह से आप समझ पा रहे होंगे इस न्यूज को चलिए देखते हैं कुछ और पॉइंट्स यहां पर देखिए पॉइंट्स क्या फैक्ट्समेशन की तरह से बताए गए हैं बोरगहन की अगर हम बात करें 10.70 पॉइंट सेकेंड यानी 10.70 पॉइंट सेकंड का समय निकालकर सबसे तेज मैन ऑफ द मीट का खिताब अपने नाम किया उनके पास 10.25 सेकेंड का 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड है नेशनल रिकॉर्ड भैया इनके पास है नेशनल रिकॉर्ड <coughs> नेशनल रिकॉर्ड इनके पास है 10.25 पॉइंट सेकेंड का 100 मीटर का ठीक है फिर 200 मीटर में 25 वर्षीय बोर्गहन ने 20.96 सेकंड के समय के साथ हॉफमैन ट्वेंटी टू और जमैका के सैमुअल रोवे को से आगे रहे हैं ठीक है डियर आई होप बिल्कुल एज इन्फॉर्मेशन हमने ये डिस्कस किया है फाइनल है ना बहुत ज्यादा हमें यहां पर क्या नहीं करना है डिटेल में इतना इसको याद नहीं रखना है इसके साथ ही और कोई और पॉइंट आ रहे हैं जमैका के एथलीट आरबे एल की बात करें और ब्रे एल इन्होंने सिल्वर मेडल विन किया है सिल्वर मेडल इन द मेंस हंड्रेड मीटर इवेंट में टाइमिंग 10.80 रही है और फिर विक्टर हॉफ की बात करें इन्होंने थर्ड प्लेस पर रहे हैं इन्होंने ब्रांज मेडल जीता है विन किया है ब्रांज है ना इनका टाइम रहा है आपका कितना बेल्जियम के वेक्टर हॉफमैन बेल्जियम से बिलोंग करते हैं ये बेल्जियम से है ना और जी जमैका से बिलोंग करते हैं जमैका से बिलोंग करते हैं ठीक है ठीके? तो डियर आई होप आप समझ पा रहे होंगे फिर आ, है ना तो हम बात करें किसकी एमलेन बोरग्रहन इंडियन स्प्रिंटर हैं टू गोल्ड मेडल एंड टू हंड्रेड मीटर में फ्लैंडर्स कप 2023 ठीक है फ्लैंडर्स कप 2023 आई होप पूरी न्यूज आप क्लियर कर पाए होंगे समझ पाए होंगे ठीक है ना डियर बिल्कुल इंडियन स्प्रिंटर एमलेन बर्गोहन टू गोल्ड मेडल हंड्रेड टू हंड्रेड मीटर फ्लैंडर्स कप टू नाइन ट्वेंटी थ्री नेशनल रिकॉर्ड भी इनके पास है टन पॉइंट टू फाइव का हंड्रेड मीटर का ठीक है सेकंड प्लेस पर यहां पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन रहे हैं वो सॉरी सेकंड प्लेस पर यहाँ एलन जमैका से बिलोंग करते हैं सिल्वर मेडल है और बेल्जियम से बिलोंग करते हैं वेक्टर हॉफमैन ब्रॉन्ज मेडल है ठीक है चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ नेक्स्ट न्यूज आ रही है बिल्कुल फॉर्मुला वन रेस से फॉर्मुला वन रेस अगर हम बात करें स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स की बात हो रही है अभी हमने हाल ही में कुछ दिन पहले आपको अगर ध्यान हो तो मोनेको ग्रैंड प्रिक्स की बात की थी और मोनेको ग्रैंड प्रिक्स को भी विन किसने किया था मैक्स वेस्टेपन ने

मैक्स वेस्टेपन विन किया है फॉर्मूला वन स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स है ठीक है स्पेनिस ग्रैंड प्रिक्स स्पेनिस ग्रैंड प्रिक्स विन किया है इन्होंने ठीक है स्पेनिस ग्रैंड प्रिक्स यहां पर मुझे लिखना ओके सॉरी फॉर्मूला वन स्पेनिस ग्रैंड प्रिक्स ठीक है डियर आई होप यहां से इसको इरेज कर देंगे ओके okay, डन है चलिए

और ये किसके लिए खेलते हैं मर्सिडीज के लिए खेलते हैं ठीक है ना मर्सिडीज एंड uh, लेकिन वेस्टेपन से 24 पॉइंट सेकंड पीछे रह गए और मैक्स वेस्टेपन ने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स भी जीता है। बिल्कुल जिससे पहले इससे पहले भी हम लोग बात कर चुके थे है ना? क्लियर है तो मोनेको ग्रैंड प्रिक्स भी <coughs> वही पॉइंट यहां पर बताया गया डियर आई होप इतना आपको क्लियर होगा तो डियर ये हमारी न्यूज का सिलसिला था अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ देखते हैं आज हमारे लिए क्या क्वेश्चन होने वाले हैं क्या क्वेश्चन आंसर होने वाले हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे वन बाय वन सारे क्वेश्चन आंसर को देखेंगे फटाफट -फड़ से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर्स करते रहेंगे ठीक है तो ओवरऑल ओवरऑल सारे सारे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं डिस्कस करते हैं अपने रिविजन को स्टार्ट करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन का सिलसिला चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो फर्स्ट इज बिल्कुल देखिए स्कोर कुछ भी हो लेकिन लर्निंग इंपॉर्टेंट है लर्निंग इंपॉर्टेंट रखती है चलिए चलते फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ कौन सा केंद्रीय मंत्रालय 2.0 सिटीज को नया करने एकीकृत एक करने और बनाए रखने के लिए शहर के निवेश को लागू करता है यहां पर ऑप्शंस में आपकी मिनिस्ट्रीज दी हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी बिल्कुल

मेरे आंसर बताने से पहले आप गेस्ट किया करिए कि क्या आंसर होने वाला है और बिल्कुल ईमानदारी के साथ है ना डियर देखिए मार्क्स आपके हैं कोई आपसे लेगा नहीं प्रिपरेशन आपकी है तैयारी आपकी है है ना सारी चीजें आपकी हैं आपसे जो आपके पास है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता और जो आपके पास है वो आपको कोई दे नहीं सकता केवल एक पर्सन है जो आपको दे सकता है और वो कौन है वो खुद आप हैं वो खुद आप हैं आपके पास जो नहीं है वो कोई दे नहीं सकता और आपके पास जो नहीं है वो कोई अगर दे सकता है तो कौन दे सकता है वो केवल और केवल आप खुद हैं तो डियर बिल्कुल ईमानदारी के साथ आप ये क्वेश्चन सॉल्व किया करिए और फाइनल जो यहां पर राइट right आंसर हो यानी जितने क्वेश्चन आपके बने वो कमेंट बॉक्स में लिखा करिए कि सर टेन नाइन अपॉन टेन टेन अपॉइन टेन सेवन अपॉन टेन है ना तो इससे मुझे भी पता चले कि आप कितने स्कोर कर पा रहे हैं और बिल्कुल डियर यहां स्कोर डिफाइन नहीं करता कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है स्कोर डिफाइन नहीं करता कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है जो भी स्कोर आपका आएगा फाइनली उसके साथ आप आगे अपने आप को इंप्रूव करेंगे वो आपके लिए क्या है स्टेप बाई स्टेप आपकी सीढ़ी है ठीक है ना डियर बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मुझे दिखना चाहिए कि आपने कितना स्कोर किया ठीक है चलिए चलिए चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन की तरफ आ रहा है व्हाट इज द आउटले ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन द कोऑपरेटिव सेक्टर सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का परिव्यय कितना है बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट है ना डायरेक्टली पॉइंट बन रहा है दो हजार करोड़ पांच हजार सॉरी ट्वेंटी थाउजेंड करोड़ बीस हजार करोड़ है पचास हजार करोड़ है वन लैख करोड़ है या फिर टू लैख करोड़ है ठीक है ना टू लैख करोड़ है तो फटाफट आप लोग आंसर करेंगे फाइनल अपना आंसर पहले ही आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे और फिर उसको ईमानदारी के साथ उसको कंसीडर करेंगे अगर सही हुआ है गलत हुआ है तो उसको माइनस करेंगे गलत हुआ है तो जीरो नंबर देंगे सही हुआ है तो वन नंबर देंगे निगेटिव मार्किंग नहीं है है ना बिल्कुल चलिए चलते हैं राइट आंसर ये यहां पर होगा वन लैख करोड़ राइट तो आंसर right आपका वन लाख करोड़ हो जाएगा ठीक है बिल्कुल नीचे आपके क्या दिए हुए हैं एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है फाइनली फाइनली आप सेशन एंड होने, होने के बाद या इस एक्सप्लेनेशन में जो भी चीजें दी हुई हैं उनसे आप ऐड कर सकते हैं समझ सकते हैं कि क्या और पॉइंट और फैक्ट्स आप ऐड कर पाएंगे नेक्स्ट इज विच एशियन कंट्री ज्वाइन द सेंट्रलाइज लेबोरेटरी नेटवर्क कौन सा एशियाई देश केंद्रीय प्रयोगशाला नेटवर्क में शामिल हुआ श्रीलंका इंडिया म्यामार या फिर बांग्लादेश बिल्कुल तो यहां पर राइट आंसर आपका निकल कर आएगा इंडिया बिल्कुल जी हां इंडिया आपका राइट होगा तो इंडिया रिसेंटली ज्वाइन देंट्राइजरी नेटवर्क सी एल एन टू टेस्ट वैक्सीन ड्यूरिंग पैंडेमिक एंड नेक्स्ट इज किस शहर ने भारत यूरोपीय संघ ग्लोबल गेटवे सम्मेलन की मेजबानी की है ग्लोबल गेटवे सम्मेलन है ना इंडिया ईयू ग्लोबल गेटवे कॉन्फ्रेंस बिल्कुल न्यूज़ का पार्ट रहा था हम लोगों ने डिस्कस किया था तो अब है आंसर देने की बारी गुवाहाटी सिलोंग कोलकाता या फिर ईटानगर राइट इज गुवाहाटी गुवाहाटी आपका राइट हो जाएगा असम के गुवाहाटी में इसको क्या किया गया था कॉन्फ्रेंस किया गया था हेल्ड हुआ था सिलोंग में हेल्ड एंड सिलोंग फोकस ऑन द बोस्टिंग कनेक्टिविटी ओके ओ ओ ओ यहाँ पर डियर देखिए यहां पर गेटवे कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड इन सिलोंग फोकस ऑन बूस्टिंग कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन द इंडियन आ, सब कॉन्टिनेंट बिल्कुल डियर देखिए यहां पर ऑप्शन अगर हम बात करें विल बी हेल्ड कहां पर हुआ था किस शहर में हुआ था तो ये सिलोंग में हुआ था गुवाहाटी बाय डिफॉल्ट हुआ है ठीक है इस तरह का कोई भी क्वेश्चन बाद में रहेगा तो फाइनली आप देख सकते हैं ठीक है बाय डिफॉल्ट कभी कभी इस तरह की कुछ चीजें हो जाती हैं ह्यूमन एरर होता है ये ठीक है ना बिल्कुल तो यहाँ पर डियर सिलोंग आपका जा रहा है ठीक है तो इसको देखेंगे सिलोंग कंसीडर करेंगे सिलोंग इज आ राइट नाउ ठीक है चलिए विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर सर्विस आउटसोर्सिंग ई आर एस ओ किस केंद्रीय मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विसेज आउटसोर्सिंग लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो राइट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ट पेमेंट सिस्टम की परिकल्पना की है विच इंस्टीट्यूशन हैज कॉन्सेप्चुलाइज लाइट वेट पेमेंट सिस्टम किस संस्था ने लाइट वेट पेमेंट सिस्टम की परिकल्पना की है एनपीसीआई आरबीआई या फिर नीति तो आयोग राइट आंसर की बात करें तो राइट इज हमारा जाएगा आरबीआई नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश शिखर सम्मेलन का मेजबान देश है चाइना इंडिया श्रीलंका या म्यामा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन निकल कर आ रहा है अगर हम बात करें डियर आंसर की तो यहां पर राइट आंसर आपका निकल कर आएगा इंडिया ठीक है ना ट्वेंटी सेकेंड एस सीओ शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन है इंडिया है एस समिट वर्चुअली मोड में हुई जुलाई को ही द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा इसको क्या किया गया अनाउंस किया गया संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है ट्वेंटी सेकेंड एडिशन था नेक्स्ट इज विच कंट्री हैज ग्रांटेड अप्रूवल टू इंक्लूड टॉफिल टी ओ एफ एल टेस्ट एज अ वैलिड ऑप्शन फॉर स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम प्रोग्राम चाइना कनाडा ऑस्ट्रेलिया जापान तो फटाफट फड़ से आप लोग आंसर करेंगे देखेंगे है ना तो राइट आंसर आपका जाएगा यहां पर ऑप्शन बी कनाडा कनाडा आपका क्या हो जाएगा राइट right हो जाएगा इमिग्रेशन रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा आई आर सी सी आई आर सी सी स्टैंड फॉर इमेज इमिग्रेशन रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा आई आर सी सी बिल्कुल एव्रीवेशन ध्यान रखना होगा आपको हैज ग्रांटेड अप्रूवल फॉर इंक्लूड टॉफेल टेस्ट स्कोर्स एज अ वैलिड ऑप्शन फॉर द स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम प्रोग्राम इन कनाडा नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस संस्था ने उपभोक्ता नहीं थी कोपो लोको पर पूर्ण सत्र की मेजबानी की है बिल्कुल न्यूज का पार्ट था हमने डिस्कस किया था नेस्कॉम है 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 या फिर है, या फिर फिर नीति आयोग है बिल्कुल आंसर करेंगे फटाफट से वेरी गुड तो राइट इज बी आई एस फोर्टी फोर्थ प्लानरी ऑफ कंज्यूमर पॉलिसी है ना फोर्टी फोर्थ प्लानरी ऑफ कंज्यूमर पॉलिसी इज अ फोर डे इवेंट था होस्ट किया था ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने बी ने ठीक है ना तो राइट आंसर आपको बी आई एस होगा is, किस प्रदेश ने के लिए पहल की है ऑप्शन है आपके वेस्ट बंगाल उड़ीसा तेलंगाना या फिर केरला तो बिल्कुल किस और शासित प्रदेश ने युवाओं के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहल क्या की है शुरू की है तो फटाफट -फड़ से आंसर करेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन है ये बिल्कुल वेस्ट बंगाल उड़ीसा तेलंगाना या फिर केरला। तो राइट आंसर यहां पर जाएगा डियर उड़ीसा उड़ीसा आपका राइट हो जाएगा है ना उड़ीसा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक लॉन्च द उड़ीसा फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ इनिशिएटिव तो उड़ीसा नवीन पटनायक जी के द्वारा इसको क्या किया गया लॉन्च किया गया है तो बिल्कुल फाइनली आप ध्यान रखेंगे तो ये थार था हमारे क्वेश्चन का सिलसिला अब हम चलेंगे ये था हमारे क्वेश्चंस का सिलसिला अब हम चलेंगे अपने किसकी तरफ विनर की तरफ यानी कल क्विज में हमारा राइट right आंसर क्या था पहले वो हम देखेंगे इसके बाद में हम देखेंगे कि हमारा विनर कौन होने वाला है कल के सेशन के हमारे विनर्स कौन है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड विनर कौन है तो राइट आंसर यहां पर है राजेश बंसल राजेश बंसल कल के क्वेश्चन का हमारा राइट right आंसर है और यहां पर हम बात करें तो क्वेश्चन हमारा यह हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन फॉर द चीता प्रोजेक्ट स्टेयरिंग कमेटी सेटअप बाई एन टी सी ए राइट आंसर इज राजेश बंसल

है ना हमारे पहले विनर कौन थे पहले विनर बिल्कुल मोनिका कुमारी है मोनिका कुमारी कॉन्ग्रेट है ना फर्स्ट विनर सेकंड विनर हमारे रजत साहू सुरभि प्रिंसी और मुस्कान कुमारी है ना तो रजत साहू सुरभि प्रिंसी और मुस्कान कुमारी सेकंड विनर है ना चलते हैं हम थर्ड विनर की तरफ और थर्ड विनर है हमारे थर्ड विनर में थ्री पार्टिसिपेंट्स यहां पे भी ऐड हुए हैं तो यहां पर देखिए सुरभि सिन्हा जी हैं सुरभि सिन्हा है वो सुरभि दूसरी है ये सुरभि सिन्हा है और फिर बात हो रही है रुचि की यहां पर रुचि है और मोनजीत है है ना ये भी बिल्कुल पार्टिसिपेशन में रहते हैं डे बाय डे इनके भी आंसर्स इनकेस्ट कभी फर्स्ट कभी second, कभी सेकंड थर्ड है है ना इस तरह का पार्टिसिपेशन रहता है, तो बिल्कुल सुरभि सिन्हा रुचि एंड मोनजीत बहुत अच्छे वेरी गुड वेल डन है ना थर्ड प्लेस पर थर्ड विनर है आप चलते हैं अपने वॉलंटियर्स की तरफ वॉलंटियर्स में देखते हैं किसका नाम आता है तो वॉलंटियर में बिल्कुल दो नाम निकल कर आ रहे हैं संचिता गुप्ता है वॉल्टियर्स में और अमीशा आ, अमी आ, अब अमिषेक केसर है अमिषेक केसर है ठीक है ना डियर अभिषेक केसर है तो बिल्कुल तो हम चलते हैं अपने आज के क्वेश्चन की तरफ आज का क्विज क्वेश्चन आखिर क्या कहता है तो चलिए है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ तो आज का क्विज क्वेश्चन है बिल्कुल विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द गगनयान रिकवरी ट्रेनिंग प्लान कौन सा इंस्टीट्यूट है जो ए, रिलीज कर रहा है गगनयान रिकवरी ट्रेनिंग प्लान ऑप्शन है इसरोल इस 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 तो यह है सबसे तेजी के साथ आएगा वो फर्स्ट विनर सेकेंड एंड थर्ड इसी तरह से प्रोसीड किए जाएंगे वॉलेंटियस को भी रखा जाएगा तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्लास में इसी तरह हम लोग करंट अफेयर्स की करंट न्यूज को डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज करेंगे और फाइनली क्विज क्वेश्चन को भी देखेंगे और अपने विनर्स को भी अनाउंस करेंगे तो आई होप आज के सेशन को आपने एंजॉय किया होगा अगर एंजॉय किया है फ्रूटफुल रहा है तो फटाफट से लाइक करें और जाकर आप अप अपने मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करें सेशन को शेयर करें थैंक यू एवरीवन गुड बाय एंड टेक केयर सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन नेवर मिस एन अपडेट